हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 14th of April। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे वीडियो डाल दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, हु पार्टिसिपेट्स G20 एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग 2020 चेयर्ड बाय सऊदी अरेबिया। इंडिया के किस मिनिस्टर ने G20 एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसको चेयर कौन करता था? सऊदी अरेबिया। ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर आएगा धर्मेंद्र प्रधान। क्या आएगा? धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ से स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है? सबसे पहले G20 एनर्जी वर्चुअल मिनिस्टर मीटिंग हो कहाँ पर रही है? कहाँ पे हो रही है? सऊदी अरेबिया के अंदर। और नाम ही जो हमारे को बता रहा है कि एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो कौन अटेंड करेगा? जो हमारा एनर्जी मिनिस्टर होगा, तो वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड स्टील, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बनाया आ सकता है। स्टैटिक जो है बड़े करंट अफेयर्स से निकल के आते हैं ऐसे, तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ नवी टेक्नोलॉजीज़। किसको MD बनाया गया है नवी टेक्नोलॉजीज़ का? MD क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ए सचिन बंसल, बी रवि दुबे, सी अजीत सिंह, डी सुनील मेहता। तो इसका आंसर आएगा सचिन बंसल वही हैं पर जो को फाउंडर थे पड़े फ्लिपकार्ट के, और फ्लिपकार्ट को उन्होंने किसको भेज दिया? वालमार्ट को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे नवी टेक्नोलॉजीज़ का? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव 3 face masks टू ईच सिटीजन टू कर्ब COVID-19 स्प्रेड। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि वो हर सिटीजन, अपने स्टेट के हर सिटीजन को 3 masks देगी, फ्री मास्क देगी वो? ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 5.3 करोड़, और वो हर सिटीजन को कितने मास्क दे रही है? 5.3 करोड़ है, और एक सिटीजन को 3 मास्क मिले तो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ मास्क वो बांटेगी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता कि 16 करोड़ मास्क जो है अपनी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को दे रही है, और यह ऐसे भी आता था कि 3 face masks हर सिटीजन को दे रही है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बनाया आ सकता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ये मास्क क्यों बांट रही है? ताकि COVID-19 से ज़्यादा अधिक ना फैले, और COVID-19 फैलने से बचा जा सके। तो हम यहाँ पे नोट में पढ़ लेते हैं क्या स्टैटिक बन सकती है इससे क्वेश्चन से। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? पड़ी अमरावती। अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है तो हम अमरावती लिखेंगे, लेकिन इस टाइम कितनी कैपिटल है पड़ी? उसकी 3 कैपिटल है पड़ी। किसकी? आंध्र प्रदेश की। अगर लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछे तो आप करेंगे अमरावती, और एग्जीक्यूटिव पूछे तो विशाखापट्टनम, और जुडिशियल पूछे तो कुर्नूल। ये तीनों आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक के फॉर्म में क्वेश्चन बनाया आ सकता है। और CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज गिविंग 5 lakh टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन टू विच कंट्री। इंडिया जो है अपना 5 lakh टैबलेट्स देगा हाइड्रोक्लोरोक्विन की, कौन सी कंट्री को? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को क्या दे रहा है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। इससे पहले वो किस किस को दे चुका है? हम अमेरिका को दे चुके हैं, और ब्राज़ील को उसका रॉ मटेरियल दिया है, इसराइल को भी दिया, अब अफगानिस्तान को दिया। ऐसे ही बहुत सारी कंट्री जो है हमसे डिमांड कर रही है हाइड्रोक्लोरोक्विन की, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया ही बनाता है। हाइड्रोक्लोरोक्विन किसकी दवाई है अपनी? मलेरिया की। किसकी? मलेरिया की। तो ऐसे ही करंट अफेयर में से स्टैटिक बन के आते हैं, तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करना जो मैं स्टैटिक आपको करा रहा हूँ। और मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अफगानिस्तान को हम क्या दे रहे हैं? वीट भी दे रहे हैं अफगानिस्तान और लेबिनन को, 90,000 टन। तो अफगानिस्तान की कैपिटल देख लेते हैं काबुल, और करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेज ए पोर्टल टू एड्रेस स्टूडेंट्स कंसर्न एमिड लॉकडाउन।
एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है किसके लिए, जो स्टूडेंट्स का कंसर्न है पढ़ा उसके लिए। ए लाइफ, बी जॉइन, सी सेफ, डी युक्ति। तो इसका आंसर रहेगा युक्ति। पोर्टल का नाम क्या है पढ़ा, युक्ति। और ये बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने, एचआरडी मिनिस्ट्री। कौन सा, युक्ति पोर्टल। और किस लिए किया, स्टूडेंट्स के कंसर्न के लिए। और ये क्या क्या हेल्प करेगा, ये जो सा पोर्टल है पड़ा, ये मेंटेन और रिकॉर्ड इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री। ये मॉनिटर करेगा एक तो भी क्या कहते क्या भी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, काम सही कर रही है नहीं कर रही, और क्या क्या काम कर रही है उसको रिकॉर्ड करेगा। और स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसी बनाने हुई इस लॉकडाउन के टाइम, तो वो इसी के ऊपर ही करेगा वो। तो हम इसे स्टैटिक देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। तो स्टैटिक जो है अपने एचआरडी मिनिस्टर कौन है, अपने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, हरिद्वार। कहाँ से, हरिद्वार से। और युक्ति की फुल फॉर्म क्या है पढ़े, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा भाई ये पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसके अंदर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेक्नोलॉजी, आई इनोवेशन को, के नॉलेज को। तो इसको आपको फुल फॉर्म अच्छी तरह याद कर लेना, युक्ति क्या है, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड चैगस डिसीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, कौन से डे पे वर्ल्ड चैगस डिसीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ए 12th of April, बी 13th of April, सी 14th of April, डी 15th of April। तो इसका आंसर आएगा 14th of April को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पड़ा। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट बार मनाया जा रहा है 2020 के अंदर, ये पहली सबसे पहली बार मनाया जाएगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम है पड़ा, तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कलर के एग्जाम में आया था वर्ल्ड सोयल डे, और वो तीसरी चौथी बार ही मनाया जा रहा था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे के नेक्स्ट के पेपरों के लिए। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, स्टैटिक क्या बनता है। ये मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्लोबली, मतलब ये भी आता था कि हम कौन से टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2020 में, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और इसको साइलेंट और साइलेंस डिसीज़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइलेंट एंड साइलेंस डिसीज़। और ये मेनली डिसीज़ फैलता कहाँ पे है, ये अमेरिका और यूरोप के अंदर ही फैलता है मेनली डिसीज़ अगर होता है तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। विच स्टेशन, विच यहाँ पे आएगा, विच रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू गेट सैनिटाइजेशन टनल। कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला रेलवे स्टेशन बन गया जहाँ पे सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। ए रेवाड़ी स्टेशन, बी अहमदाबाद स्टेशन, सी नागपुर स्टेशन, डी भोपाल स्टेशन। तो यह आएगा अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो ये पहला बन गया जहाँ पे सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं बैंकिंग के एग्जाम के लिए, क्योंकि बैंकिंग से हम होते हैं। तो मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो मैंने आपसे कल पूछा था कि आरबीआई जो है पढ़ा क्या है पढ़ा, आरबीआई क्या है पढ़ा, आरबीआई जो है पढ़ा उसका आपने हेडक्वार्टर बताना है और उसके गवर्नर बताने हैं। तो उसके हेडक्वार्टर तो है पढ़ा मुंबई, क्या है पढ़ा, मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। उसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और वो 25th गवर्नर है पढ़े, क्या है पढ़े, 25th गवर्नर। तो हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पढ़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू चैनल डैट इज़ लॉन्च बाय प्रसार भारती, प्रसार भारती के द्वारा नया चैनल कौन सा स्टार्ट किया गया है। तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी हम स्टैटिक देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कम बन जाएगा, आपको आ जाएगा कि जोन सा लगाया है गया है वो कौन से में आता है। तो ये वेस्टर्न रेलवेज के अंडरगत आता है, किसके, वेस्टर्न रेलवेज। और चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, वी के यादव। कौन है, वी के यादव, विनोद कुमार यादव। हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडियन रेलवेज का न्यू दिल्ली। और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली आरबीआई लॉन्चेज ए ट्विटर कंपेन टू एनकरेज बैंक कस्टमर टू अडोप्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। आरबीआई ने एक ट्विटर कंपेन को लॉन्च किया है ताकि वो एनकरेज कर सके बैंक कस्टमर को कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट करें। ए हैशटैग अडोप्ट डिजिटल पेमेंट, बी डिजिटल पेमेंट, सी हैशटैग पे डिजिटल स्टे सेफ, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा पे डिजिटल स्टे सेफ। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और स्टैटिक के फॉर्म में ऐसे ही बना था कि कौन से गवर्नर है पड़े, तो वो 25th गवर्नर है पड़े। ऐसे क्वेश्चन HSSC और SSC में पूछे जाते हैं स्टैटिक के फॉर्म में। और जो सा डिजिटल पेमेंट के फॉर्म में कौन कौन सी
टेक्निक आती है। तो हम कैसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, BBPS कर सकते हैं। UPI तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइम, जैसे आप फ़ोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, पेटीएम से करते हो, तो उसमें UPI ही यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक, किसको दोबारा बनाया गया है MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट बैंक है बड़ा। ए जया रामा भट्ट, बी अजय त्यागी, सी सुनील बैता, डी महाबलेश्वर MS। तो पहले भी महाबलेश्वर MS थे और दोबारा इनको अपॉइंट कर दिया गया और 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया। और ये कब से 3 ईयर इनके नेक्स्ट स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल 2020 से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पढ़ा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के बैंकिंग वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इज ए न्यू इनिशिएटिव फूड बैंक टू हेल्प द पुअर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया फूड बैंक, ताकि गरीबों की हेल्प की जा सके। ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर रहेगा मणिपुर। मणिपुर ने कौन सी यूज़ किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है फूड बैंक। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फूड, सैनिटाइजर, फेस मास्क, जो भी COVID-19 के टाइम चीज़ें मेन लोगों को जरूरत है, बड़ी असेंशियल चीज़ें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और मेन जो गरीब हैं बड़े, जो अप्रोच नहीं कर सकते इन चीज़ों के तरफ, उन्हीं को ही बांटी जाएगी। और कैपिटल क्या है मणिपुर की, इम्फाल। CM बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। GMR एयरपोर्ट विल डेवलप एंड ऑपरेट भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ इंडिया। जो GMR एयरपोर्ट है पड़ा वो डेवलप कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है भोगमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये भोगमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में आएगा, ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी कर्नाटका। तो ये आएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे आएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश की मैंने आपको बताया था कि तीन कैपिटल है पड़ी, कुरनूल है पड़ी, विशाखापट्टनम है, अमरावती है पड़ी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और कौन से जुडिशियल। गवर्नर भी बताया था विश्वभूषण हरिचंदन, और CM भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर MPL। MPL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ए विराट कोहली, बी युवराज सिंह, सी आलिया भट्ट, डी तमन्ना भाटिया। तो इसका आंसर है तमन्ना भाटिया। देखिए तमन्ना भाटिया को तो अभी अभी बनाया गया है और विराट कोहली पहले से ही है पड़े, तो रिसेंटली तो तमन्ना भाटिया आएगा। अगर दोनों आते तो आप ए और बी दोनों लगाएंगे। और MPL क्या है पड़ी, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है पड़ा। MPL की फुल फॉर्म क्या, मोबाइल प्रीमियर लीग। क्या है पड़ा, मोबाइल प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच IIT डेवलप्स ए डिजिटल स्टेथोस्कोप विच कैन हियर हर्ट बीट फ्रॉम ए डिस्टेंस। कौन से IIT ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप को डेवलप किया है, जिसकी सहायता से हम हर्ट बीट को एक डिस्टेंस से सुन सकते हैं। ए IIT बॉम्बे, बी IIT गांधीनगर, सी IIT मद्रास, डी IIT हैदराबाद। तो इसका आंसर आएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने क्या किया, डिजिटल स्टेथोस्कोप। इसकी हेल्प से क्या मदद मिलेगी हमारे को, ये रिड्यूस कर देगा रिस्क टू डॉक्टर्स एंड द हेल्थ वर्कर्स हु आर हैंडलिंग द COVID-19 पेशेंट। जो लोग COVID-19 पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं उनके लिए रिड्यूस कर देगा रिस्क, क्योंकि जब हमारे को उनके हार्ट बीट को मेज़र करना होएगा तो वह एक डिस्टेंस से मेज़र कर सकते हैं, तो जो फैलने का चांसेस हैं बड़े कम हो जाएंगे। तो ये IIT वाले क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति हीरानंद पासिस अवे शी वाज। शांति हीरानंद की डेथ होगी वह क्या थी पड़ी, ए एक्टर, बी सिंगर, सी जर्नलिस्ट, डी ननोदी। तो वो थी पड़ी सिंगर। और इसको थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए वैसे देखते हैं, क्लासिकल सिंगर। कौन सी सिंगर थी वो, क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पेप्सिको को, ए प्रीति सिंह, बी अनमोल ठाकुर, सी शेफाली वर्मा, डी ननोदीप। तो इसका आंसर रहेगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पेप्सिको को। और ये भी साथ में याद रखें कि उससे पहले कौन है पड़े, और जो अभी भी हैं पड़े और पहले भी थे पड़े, सलमान खान। और ये कहाँ से हैं पड़ी, रोहतक हरियाणा से। तो
तो स्टैटिक के फॉर्म में ये क्वेश्चन एचएसएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो एचएसएससी का पेपर होता है उसमें पूछ ले जाता है, जैसे जो मेन मेन बंदे होते हैं हरियाणा के, कि वो कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि जो सी शेफाली वर्मा है पड़ी, वो कहाँ से है पड़ी, रोहतक से। कहाँ पे है पड़ी, रोहतक से। और इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि एक यंग वुमन क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया, यंगेस्ट वुमन क्रिकेटर है जो इंडिया के लिए जिन्होंने खेला है पड़ा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, जाके कमेंट करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप भी ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि मैंने आपको बताया था कि हम हरियाणा जीके की वीडियो लेके आ रहे हैं, तो हमने कल से ही शाम को 7 बजे उसकी वीडियो डाल दी जाएगी, और कल ही से स्टार्ट कर दिया तो हमने। तो आज शाम को आप जाके 7 बजे वो वाली वीडियो भी देखें, जैसे आप इसमें हमारे को प्यार दे रहे हैं उसमें ही ऐसे ही प्यार दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने कमेंट से हमारे को बताते रहे कि हमारी वीडियो में क्या बात अच्छी लगी और क्या बात गंदी लगी, ताकि अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो हम उसको चेंज करके आगे सुधार सकें। थैंक्स।